इनटू साइन एफ। यस, ये चीज समझ में आ गई? तो यहां से निकल जाएगा क्या? यहां से निकलेगा डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम वीनस, और इससे निकलेगा डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम वीनस। यस, आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा सा बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। कॉपरनिकस मेथड क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, कौन से प्लैनेट? इंफीरियर प्लैनेट। इंफीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो टेलीस्कोप से देखे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लोजर होते हैं, जैसे कि विच आर क्लोजर टू द अर्थ, देखे वही जा सकते हैं जो क्लोजर है। ठीक है, फिर कैसे मेजर करते हैं? मेजर करने का तरीका क्या होता है कि आप टेलीस्कोप लोगे, टेलीस्कोप से पहले किसे देखोगे? सन को देखोगे, और उसी टेलीस्कोप से फिर वीनस को देखोगे। पूरे साल काम करना होता है, पूरे साल देखना पड़ता है। तो ये जो रोटेशन होगा टेलीस्कोप का, जो रोटेशन होगा अल्फा, यहां पहले टेलीस्कोप फिर यहां टेलीस्कोप, तो ये जो अल्फा है, ये जो एंगल है जो आपको रोटेट करना पड़ रहा है, टेलीस्कोप को रोटेट करना पड़ेगा ना वीनस और सन को देखने के लिए, तो वो होगा अल्फा। अल्फा को नाम दिया जाता है प्लैनेट इलोंगेशन, उसने नाम दिया था प्लैनेट इलोंगेशन। और ये जो प्लैनेट इलोंगेशन है ये चेंज होता रहता है, कभी मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम होगा फिर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होता है? तो मैं अल्फा की कंडीशन लिख दी है, अल्फा इज मैक्सिमम व्हेन द लाइन जॉइनिंग वीनस एंड अर्थ। ये वाली जो लाइन है, जब इसके टेंजेंशियल हो जाती है, टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट ऑफ वीनस, जो ऑर्बिट वीनस का ऑर्बिट है उसके टेंजेंशियल जब हो जाती है, टेंजेंशियल, टेंजेंट आपको पता ही क्या होता है, अगर कोई ये सर्कल है और इसके ये टेंजेंट है, तो यहां से आप सेंटर से एक लाइन जोड़ोगे तो एंगल जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने की यहाँ पे, ये जो साइड है ये वाली, ठीक है, इससे टेंजेंट कितना एंगल बनाने का 90 है। ठीक है, अब इसमें एक्स और वाई मैंने नाम दे दिए। एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मार्स वीनस, और वाई क्या है? वाई इज अ डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम वीनस। तो यहां से एक्स और वाई दोनों आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता है? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस पता है, कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आया समझ में कि नहीं आया? ट्रिग्नोमेट्री से मैंने निकाल लिया एक्स और वाई। यस, बता दो तेरा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? ये कॉपरनिकस मेथड है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, यूनिट टेस्ट में पक्का पूछ लेंगे, बाकी इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूज करते हैं आजकल, तो कुछ इतना कुछ है नहीं, सब कुछ कंप्यूटर से होता है आजकल। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा फीड कर देते हैं, सब आंसर निकल जाता है, कौन कितनी दूरी पे है, कौन कौन सा प्लैनेट, कौन सा सोलर सिस्टम कितनी दूरी पे है, सब पता रहता है। ठीक है, सब डाटा फीड हो जाता है। ये तो 11th 12th में जो है इसी तरीके से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अलावा भी एक मेथड है, एक और बता देता हूँ। अगर आप मेजर करना चाहते हो, मान लीजिए ऑर्बिट ऑफ व्हाट क्या बोलते हैं, मान लीजिए जुपिटर का ऑर्बिट मेजर करना चाहते हो, तो ये मेथड है, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और मेथड है, इस मेथड को नाम दिया जाता है कैप्लास मेथड। ठीक है, कैप्लर्स मेथड भी बोला जाता है। किसी को याद है कैप्लर्स थर्ड लॉ? तीन लॉ बताए थे कैप्लर्स ने। कोई बताएगा कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या था?
हाँ कोई रिलेशन था, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही। क्या था, यहाँ लिख देता हूँ। टेबलर्स मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना। डी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री बाय टूथ पावर ऑफ ऑर्बिटल रेडियस, या कई बार इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये प्रूफ होगा, ध्यान देना है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में नहीं, ग्रेविटेशन में प्रूफ होगा। ठीक है, कैपलर्स मेथड जो है, कैपलर्स का जो ये तीसरा लॉ है, ये प्रूफ होगा। यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कैसे यूज करें, तो मान लीजिए फिर से वही चीज है कि ये है सन, इसके अराउंड जो है एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, उसका ऑर्बिटल रेडियस है R1, टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में उसे टाइम पीरियड लग रहा है T1। दूसरा प्लैनेट, इसका ऑर्बिटल रेडियस है R2, इसको टाइम पीरियड लग रहा है T2। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, R1 बाई R2 का होल क्यूब। तो T1 T2 अगर आपको पता है, T1 T2 क्या है, एक पूरा का पूरा ऑर्बिट रोटेट करने में कितना टाइम लगा रहा है प्लैनेट, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर मैं T1 की बात करूं, T1 जो है मान लीजिए अर्थ का है, तो अर्थ का T1 क्या होता है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 दिन लगते हैं, ठीक है, 365 days। और अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे किसमें, सेकंड में, तो 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड्स लग जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेज में भी डाल सकते हो, ठीक है। R1 क्या है, R1 होगा डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, क्या ये भी पता है, यस ये भी पता है, कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 1.5 × 10⁻¹¹ मीटर। तो अगर आपको R2 निकालना है तो आपका काम हो गया, आपको सिर्फ क्या पता करना है किसी तरीके से, T2 क्या होगा, T2 होगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी अदर प्लैनेट, एनी अदर प्लैनेट, ठीक है। तो आपका जो है फॉर्मूला बन जाता है, फिर R2 निकालना है, तो R2 क्या होगा, ध्यान देना, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो T1 by T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 by R2 का होल क्यूब। आपको तीन चीजें पता है, T1, T2 एंड R1 पता है, R2 निकालना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट लेते हो तो यहां आ जाएगा T1 by T2 की पावर 2/3, और यहां आ जाएगा R1 by R2। R2 निकालना है आपको, R2 आ जाएगा R1 T2 by T1 की पावर 2/3।
यस, आया समझ में कि नहीं? यस, बता दो जरा एक बार, आया कि नहीं? इसकी है क्या क्लास में? तो इस तरीके से निकाला जाता है अलग अलग मेथड से, और मेथड भी हैं, सोनार मेथड है, ठीक है, सोनार मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सोनार मेथड से क्या निकालोगे? सोनार स्पेस में नहीं चलता है, सोनार, सोनार मतलब क्या होता है वो पता होगा, सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन। हाँ तो वो, लेकिन स्पेस में काम नहीं आ पाता, ठीक है ना? जैसे सोनार मेथड का यूज होगा, जैसे अगर आप ये जानना चाहते हो कि डेप्थ ऑफ द क्या बोलते हैं ओशियन, ठीक है, तो सोनार मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो जो अभी तक साइंटिस्टों को पता लगा है ना कि भाई कितना कितना जो है कहाँ पे कितना जो है ओशन कितना डेप्थ में है, कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है, तो वो सोनार मेथड से पता चलता है। ठीक है, ठीक है, फिर लेजर मेथड से भी पता चल सकता है, लेजर मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक मेथड हर जगह यूज नहीं हो पाता, ध्यान देना। जैसे आप बोलोगे क्या पैरेलैक्स मेथड हर जगह यूज हो जाता है? नहीं, हर जगह यूज नहीं होता पैरेलैक्स। ठीक है, वैसे ही कैपलास मेथड हर जगह यूज हो सकता है? नहीं, कैपलास मेथड सिर्फ इसके लिए यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट का सन के से कितनी दूरी पे है ये निकालने के लिए यूज हो सकता है, और कहीं यूज नहीं होगा। तो अलग अलग जगह पे आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, लेजर मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, रेडार मेथड यूज कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकली करवाऊंगा, मेथड बताने की जरूरत नहीं, यही तीन मेथड, पैरेलैक्स मेथड हो गया, ठीक है, और कॉपरनिकस मेथड हो गया, और ये तीन मेथड मैंने बता दिए हैं, मेरे ख्याल से ये काफी है बोलने का। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मेथड जो है ये सिर्फ क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडीज, ये हेवनली बॉडीज जो है कितनी दूरी पे हैं या उनका साइज क्या है, ठीक है, यही बता रहे हैं वो। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं आपको। अगर आप एटम का साइज मेजर करना चाहते हो तो फिर कैसे मेजर करोगे? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एटम का अप्रोक्सीमेट साइज कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स इसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, पहले थ्योरी कंप्लीट करवा देता हूँ, लास्ट पार्टी है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर आप एटम का साइज मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है कौन सा मेथड? एवोगैड्रोज मेथड। ठीक है, इसको एवोगैड्रोज मेथड बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, नाम है, ठीक है ना, नाम से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं आपको। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, हाइपोथाइज किया उसमें, एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, कि कितना होता है, क्योंकि हमें ध्यान देना एटम का भी साइज अप्रोक्सीमेटली ही बताते हैं, रेंज में बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं कि एटम का जो साइज है वो किसमें होता है, -9 से लेके -10 के बीच, ऐसे बताया जाता है, एग्जैक्ट साइज तो आप बता नहीं सकते। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है, ध्यान देना, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस It is used to measure the size of, not size, मैं बोलूंगा approximate size of the atom. Measure the approximate size of the atom.
ध्यान से समझना, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है। एक तो कॉपरनिकस पैरेलेक्स मेथड हो गया, कॉपरनिकस मेथड हो गया, और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ये पूछ लिया जाता है, ये टेस्ट में आ जाएगा आपको, इसलिए ध्यान दें। अब ध्यान देना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है क्या, उसने क्या बोला, फिर मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है, ध्यान देना उसने क्या बोला। किसी भी मटेरियल में, इन एनी मटेरियल, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, इन एनी मटेरियल, बी, अच्छा खुद सोचो, आप लोगों को ये तो पता ही है सबको कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पता है ना सर, पता है सबको रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और रदरफोर्ड ने बोला था कि जो एटम होता है वो भरा हुआ नहीं होता, खाली होता है, काफी स्पेस रहता है, पता है ना, पूरे मटेरियल के अंदर एटम्स होंगे बहुत सारे, एटम का जो साइज माना था उसने क्या बोला था, एटम का जो साइज है वो कैसा है, स्फेरिकल माना। अब आप सोचो किसी भी मटेरियल में, जैसे मान लीजिए आप एक बकेट यूज कर रहे हो, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा तो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक बकेट है, आपको बकेट दी गई, और ऐसे बहुत छोटे छोटे मार्बल बॉल्स दी गई है, बहुत सारी बॉल्स। आप एक चीज समझ लो कि जैसे आप मार्बल्स, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मार्बल्स बॉल्स उसमें भरना स्टार्ट करो, आपने ऊपर सारी की सारी मार्बल बॉल भर दी, ऐसे मार्बल बॉल भर दी। अब खुद समझो, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मार्बल बॉल्स ने पूरी बकेट का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया कि कुछ वॉइड्स रह गए उसमें, वॉइड्स मतलब कुछ स्पेस रह गया जहां पे मार्बल मार्बल ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। हाँ थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है ना, क्योंकि स्फेरिकल बॉल है। हाँ अगर ये कैसी बॉल होती, अगर मान लीजिए क्यूबॉइड होती तो ऐसा हो सकता था, क्यूबॉइड या क्यूब होती तो ऐसा हो सकता था कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, लेकिन क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में क्या होता है, अगर आप स्क्वायर को ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, देखो ऐसे लगा दिया आप, तो जो बीच का जो रहता है ना ये बॉल, ये जो स्पेस है, ये इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एयर रहती है, और अगर वैक्यूम में लगाओगे तो वैक्यूम रहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को, समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो उसने बोला कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जी बोली, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ये है कि उसने बोला कि किसी भी मटेरियल के अंदर एटम पूरी जगह नहीं घेरते, सबसे पहली चीज तो ये बोली। फिर उसने बताया कि कितनी जगह घेरते, ठीक है, तो कितनी जगह घेरते हैं मैं यहीं पे बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली जो वॉल्यूम मार्बल ऑक्यूपाई करेगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यहीं पे बता रहा हूं, ऑक्यूपाइड बाय मार्बल बॉल्स, ये लगभग होता है 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ये चीज समझ में आई सर, देखो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, ऐसे आपने स्फेरिकल बॉल डाल दिया तो लगभग जो मार्बल बॉल ऑक्यूपाई करता है वो लगभग क्या होता है, टोटल वॉल्यूम का 2/3। जैसे अगर मान लीजिए इस पूरी बकेट का वॉल्यूम है 1 m³, तो सिर्फ इसका कितना पार्ट, 2/3 पार्ट, दैट इज 2/3 × 1, और 2/3 कितना होता है, लगभग 0.6 m³ जो है वो मार्बल बॉल्स ऑक्यूपाई करेंगी, लगभग बता रहा हूं, इसलिए हाइपोथेसिस है, ध्यान देना। तो 0.4 क्या होगा, 0.4 m³ में कुछ नहीं होगा। ये चीज समझ में आई, क्या बोल रहा मैं, हाँ जी समझ में आया क्या, जरा बता दो मुझे। ठीक है, तो
ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि ये चीज आप जब देखो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। मैं हाइपोथेसिस लिख देता हूं, हाइपोथेसिस क्या थी, इन एनी मटेरियल द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब इसी में दोनों चीजें आ गई, दोनों चीजें समझ लो, दोनों चीजें आ गई, इसलिए हाइपोथेसिस है, इसलिए हाइपोथेसिस है, ध्यान देना, हाइपोथेसिस मतलब ये करेक्ट भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर उसे कैसे पता चला, तो जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, आप क्या करना है खुद करके भी देख लेना, आप एक बकेट लेना, उसमें मार्बल बॉल डालते रहना, बकेट का वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है, बकेट का वॉल्यूम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, बकेट क्या होती है, सिलेंडर होती है, बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है रेडियस और एच क्या है हाइट ऑफ द बकेट, तो बकेट का वॉल्यूम निकाल लोगे। फिर मार्बल बॉल का भी निकाल सकते हो, मार्बल बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, तो क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी निकाल सकते हो कि पूरी बकेट को ऊपर तक भरने में कितनी बॉल्स डली होंगी, यानी कि एन, ठीक है, तो ये जो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, ये है क्या बेसिकली, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स बॉल, आया समझ में, इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे, कर सकते हो ना एक्सपेरिमेंट, अरे आया क्या समझ में, ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, तो जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ मार्बल बॉल है जो ऑक्यूपाई कर रही है अंदर भरी हुई बॉल्स, वो लगभग कितनी आएंगी, 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम लगभग आएंगी, अप्रोक्सीमेटली, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना, तो वही चीज उसने क्या बता दी, उसने हाइपोथेसिस कर दी, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखो, ये हटा दे रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं है, ये समझ लेना, मान लीजिए आपने ये मटेरियल लिया, देखना जरा मैं कैसे प्रूव करूंगा, ध्यान से समझ, ये मान लीजिए कोई मटेरियल है, ऐसे ही एक मटेरियल है, अच्छा इसके बारे में हमें क्या क्या पता होगा, ध्यान देना, दो चीजें मैं बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ इसका क्या क्या पता होगा, एक तो मास पता होगा, मटेरियल का मास कितना होगा ये पता किया जा सकता है, ठीक है, वेइंग मशीन देते देगी, फिर क्या पता होगा, और क्या पता होगा, बताएगा तो हर एक मटेरियल की क्या पता होती है, डेंसिटी भी पता होती है, ये पता रहेगी, ये दो चीजें पता रहती है, हर एक मटेरियल की डेंसिटी पता है साइंटिस्ट को, ठीक है ना, ध्यान देना ये चीज, और मास कौन दे देगा मेजर करके, वेइंग मशीन मेजर करके दे देगी, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, पूरे मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, बताएगा कोई क्या होता है, पता होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, बात समझ में आ रही है ना, वॉल्यूम आपको पता रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताई है, वो
बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या हो गया, m by d, that is mass of material divided by density of material, पता रहेगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये बताओ कि, ये बताओ कि इस, ये एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स होंगे इसमें, ऐसे बहुत सारे एटम्स से मिलके बनाएंगे, तो अब ये बताओ कि आप एटम का वॉल्यूम, एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये कैसे निकालोगे। तो मैंने एक चीज सोची, जैसे मैंने यहां बताया था, अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे नीचे, मैंने क्या बोला था, मुझे पता होगा कि एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा। एटम अगर स्फेरिकल है तो बताओ एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, सोचो। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ वन एटम इज अज्यूम्ड स्फेरिकल, स्फेरिकल मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, वन एटम नहीं, एटम स्फेरिकल माना, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, हाँ 4/3 πr³, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम ऑफ वन एटम हो जाएगा 4/3 πr³। अब इमेजिन करो, सोचो इस चीज से, सोचो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मटेरियल, तो आप सोचो क्या आंसर करोगे। जैसे मैंने अभी बताया था मार्बल बॉल्स का एग्जांपल लेके बताया था, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर आप नंबर ऑफ एटम्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई कर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम हमें पता है कितना है, 4/3 πr³। देखो इसमें r आ गया, और r ही मुझे निकालना है, r मुझे निकालना है, रेडियस ऑफ द एटम मुझे निकालना है, तो r आ गया, ये निकालना है मुझे। अब बस मेरा काम ये है कि नंबर ऑफ एटम निकल गया तो मैं क्या लगा दूंगा, मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगा। ध्यान देना, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। आया समझ में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पता है मुझे, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ये जो मैंने निकाला। अब बस मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 πr³। देखो इसमें r आ गया, तो r मेरा निकल जाएगा, उस फॉर्मूले में डाल दूंगा, बट इससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे मटेरियल में कितने नंबर ऑफ एटम है, इस पूरे मटेरियल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। कौन बताएगा कौन सा प्रोसेस मैं यूज करूं कि किसी भी मटेरियल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, ये मैं कैसे निकालूंगा, बताएगा कोई? आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, 9th क्लास में भी किया था, और शायद मैडम ने अभी भी कराया होगा, मैडम अभी करवा रही होंगी आपको। कौन सा मेथड है जिससे नंबर ऑफ एटम्स निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आपने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स ही बता दो, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली करते हैं, बेटर ही है, डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ही चलिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय मोलर मास। फॉर्मूला पढ़ा है ना सभी ने, सबने पढ़ा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
और इसी नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखा जा सकता है, एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सबको पता है एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 10^23। तो मैं इसको यूज करूंगा, किसको, ध्यान दे रहा, इसको यूज करूंगा नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे इस मटेरियल में वो होंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, गिवन मास कितना है, m, क्या पता है, बिल्कुल पता है। मोलर मास, क्या मोलर मास भी पता रहता है, यस, हर एक मटेरियल का मोलर मास पता रहता है, कैपिटल m मान लिया मैंने, और एवोगाड्रो नंबर कितना है, a, a भी पता रहता है, गिवन मास भी पता है, वो दिया जाएगा, मोलर मास हर एक मटेरियल का पता रहता है हमें, और वैसे ही एवोगाड्रो नंबर भी पता है कितना होता है, 6.023 × 10^23। तो नंबर ऑफ एटम्स मेरे निकल गए, और नंबर ऑफ एटम्स निकल गए तो मैं इसे उठा के किसमें डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा, तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। कौन बताएगा कितना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स ऑफ द मटेरियल कितना आएगा, नंबर ऑफ एटम, ये है नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। आया समझ में कि नहीं आया यहां तक, बस हो गया मेरा काम, मैंने अभी बताया आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम वो है ये जो निकाला है आपने, ये कितना होता है, 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब एक एक करके डाल देते हैं, ये है एम ए बाय कैपिटल एम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ टोटल मटेरियल ये कितना था, ये भी अभी निकाला आपने, ऊपर निकाला था, कितना था, गिवन मास, मास ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, m by d, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल m by d, बेटर यहां पे ही लिख देता हूं इस तरीके से, 1 from 1 and 2, ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो इसमें सब पता है, अगर बस r को छोड़ के सब पता है, देखो पहले तो एक चीज समझ लो, ये जो एम एम है वो तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो बस अब आर निकालना है आपको, बस रीअरेंज करो, कुछ नहीं करना, रीअरेंजमेंट करो। देखो रीअरेंज कैसे करेंगे, 4a π/3 कैपिटल एम आर क्यूब इज इक्वल टू आएगा 2/3d, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपका आता है 6m, ऊपर आएगा 6m, और ये 4a π नीचे ले आओ, 4a π नीचे ले आओगे तो 12π ab, यहां तक आया, अब क्या करें, क्यूब रूट, तो ये आपका रेडियस आ गया, देखो दिस इज हाउ द रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड, रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल का, ये जो मटेरियल मान लीजिए आयरन है, आयरन होता तो आयरन के एटम का रेडियस इस तरीके से निकाल दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट, सब अप्रोक्सीमेट चल रहा, ध्यान देना, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते आप, निकाल पाओगे, ये 2 से चले जाता है, तो इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, एम अपॉन 2π ab टू द पावर, हाँ जी समझ में आया क्या,
कैलकुलेशन अपने आप में थोड़ी सी टफ हो जाती है, उसका रीजन है यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो अप्रोक्सीमेट ही निकलेगा, ठीक है ना। वैसे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, दिस इज हाउ द हाइपोथेसिस एवोगाड्रो हाइपोथेसिस इज, थोड़ा सा बड़ा है और डेरिवेशन पूछा जा सकता है। समझ में आया क्या, इस तरीके से करना है, इस तरीके से, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताया, ठीक है ना। हाइपोथेसिस क्या थी, हाइपोथेसिस होती है सही भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि टू थर्ड ना हो, टू थर्ड से थोड़ा सा ज्यादा हो, कम हो, लेकिन हाइपोथेसिस है, अप्रोक्सीमेट तो निकल ही सकता है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आपको निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल सकता है, मास पता होगा, डेंसिटी पता होगी मटेरियल, मास दिया जाएगा, किसी भी मटेरियल का मास आप मेजर कर सकते हो, किससे मेजर करोगे, वेइंग मशीन से मेजर कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ मटेरियल पहले से पता रहती है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पता चल गया, फिर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मास बाय द एटम्स कैसे निकालेंगे, तो एटम को स्फेरिकल मान लो, एक का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बस नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम दायक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी मटीरियल के, इसका मास स्मॉल m है, वो होगा गिवन मास, गिवन मास को क्या करना, मोलर मास से डिवाइड कर देना, मोलर मास पता रहता है हर एक मटीरियल का, स्मॉल m बाय कैपिटल m इनटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम। इस नंबर ऑफ एटम को उठा के इस फॉर्मूले में डाल दो, मैंने यहीं पे डाल दिया, देखो ये नंबर ऑफ एटम हो गया इतना इनटू 4/3 पाई आर, मल्टीप्लाई किया और इस फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है, जो हाइपोथेसिस थी इस फॉर्मूले में डाला और सॉल्व करके हमने देखा जो आर है, रेडियस है, वो हमारा कितना आ रहा है, याद आ रहा है। चलिए अब कर दिया तो एक एग्जांपल ही कर लेते हैं इसका, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके न्यूमेरिकल लेके एरर एनालिसिस पे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देखिए, आपको बस ये निकालना है, फाइंड आउट दी रेडियस ऑफ प्रॉब्लम यही है, चलो देख लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें डेंसिटी बतानी पड़ेगी, चलो देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा ऐसा कोई मेरे को तो मैं देख लेता हूँ। डेंसिटी पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, चलिए ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। फाइंड आउट दी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, आपको हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है, ठीक है, कौन बताएगा, मोलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का, बहुत बढ़िया, 1 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23, और डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी देखता हूँ मैं, बताता हूँ अभी आपसे फॉर्मूले में डाल के निकालता हूँ। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होती है
किसी को पता है कि हाइड्रोजन की कितनी डेंसिटी होती है? नहीं, डेंसिटी तो फिक्स रहती है ना, डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता उससे, डेंसिटी तो ग्राम पर मीटर क्यूब में है, उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं देखता हूँ अगर उसको दे रखी होगी तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है चलो, वैसे टी तो है इसमें, डेंसिटी होती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 0.89 ग्राम पर लीटर, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देखो तो 0.089 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, तो कैसे करेंगे, (10^-3) और एक नीचे लीटर दिया हो तो लीटर को मीटर क्यूब में कर दो, ठीक है ना, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं ना, 1 लीटर हो जाएंगे, हाँ पता ही है, पता है ना आपको, है ना, 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 10^-3 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर में लिख दो 10^-3 मीटर क्यूब, बस हो गया, यही आंसर तो यही है, 0.089 केजी पर मीटर क्यूब। एयर से भी हल्की होती है हाइड्रोजन, अब तीनों चीज पता चल गई ना, तो आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, आर क्या हो जाएगा, देखो आर रेडियस ऑफ, देखो डेंसिटी फिक्स रहती है, डेंसिटी का कोई लेना, डेंसिटी सिर्फ क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप 1 मोल की लोगे या 2 मोल की, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो एम अपॉन 2πAd^3, एक एक करके डाल देते हैं, एम जो है वो है ग्राम में है ना, मोलर मास ग्राम में है, तो किसमें लेना पड़ेगा, केजी में, 10^-3 केजी, ठीक है, ये डालना पड़ेगा 10^-3 केजी, क्योंकि सब चीज केजी पर मीटर क्यूब में डाल रहा हूं, तो उसी में डालना पड़ेगा 10^-3 केजी, ठीक है, 2 × 3.14 ए 6.023 × 10^23, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, देख लेना 89 × 10^-3। अब ये ना मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत गड़बड़, देखो ये गया, ठीक है, ऊपर ले जाओ 10^-23, ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 6.28, 6.023 को 6 ले लो, 89, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? देखो ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, 10^-3 × 10^-23 से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि इससे फायदा हो जाता है, देखना अभी क्या होता है, इस 10^3 को ऊपर, -3 को ऊपर ले आओ, अब इनको नीचे रख दो, इसको जो भी है 1/3 आ रहा है, इसकी पावर 1/3 है, और ऊपर आएगा 10^-26 की पावर 1/3, कौन मुझे बताएगा कितना है 10^-26 का क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है चलो, इसे थोड़ा इजी कर देता हूं, 3 मत लो, 1 लो, बेटर ये है 1 लो, 1, इससे इजी पड़ जाता है, यहां आ जाएगा 24, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 24, तो आपको पता चलता है कि जब आप ये कैलकुलेट करते हो ना, तो लगभग इन द रेंज ऑफ 10^-9 के करीब आएगा, ये जो है 10^-8 आएगा, और ये भी लगभग क्या आएगा, 10^-2 के करीब आएगा, तो और
10^-10 मीटर की रेंज में कुछ आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली लिख दिया। ठीक है, आप कैलकुलेट पूरा कर सकते हो लेकिन क्यूब रूट आपको निकालना आना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? अप्रोक्सीमेट निकाल के दिखाया मैंने। ठीक है, एग्जैक्टली तो कैलकुलेशन के बाद आएगा, जो भी है जितना भी आ रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है इसी तरीके से। इसलिए क्या होता है कि मैक्सिमम कैलकुलेशन कंप्यूटर से की जाती है, क्योंकि क्यूब रूट हो गया, मान लो कहीं पे फिफ्थ पावर आ गया, 1/5 आ गया, तो उसको कैसे निकालोगे? चलो स्क्वायर रूट तो तब भी निकल जाता है, क्यूब रूट कैसे निकालोगे? बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे मैं निकाल दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरी अपनी टेक्निक से मैं निकाल दूंगा, लेकिन ठीक है, इन द रेंज ऑफ 10^-9 to 10^-10। इसलिए और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो लगभग 10^-10 के रेंज में आती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से निकालना है। आई होप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस समझ में आई सभी को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स होंगे पैरेलेक्स मेथड के, पैरेलेक्स मेथड के न्यूमेरिकल होंगे, और उसके बाद एरर एनालिसिस स्टार्ट होगा। लास्ट टॉपिक होगा इसमें एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Okay.